हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आई एम तनाया एंड आज मैं आपके साथ ये ब्यूटिफुल सा ग्लिटरी शिमरी ग्लॉसी ग्लैम अप लुक शेयर करने वाली हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एंड तक वीडियो देखना एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप uh, मेरे चैनल पर uh, आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट भी कर देना और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सो गाइज आई एम ऑल सेट एंड ऑल प्रिपेयर मैंने बेल्ट लगाया है सो so दैट वो बाल बीच में नहीं आए एंड मैं एकदम स्मूथली मेकअप चालू करूँ गाइज़ मेकअप स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना तो उसके लिए मैं आ, फर्साली का रोज़ गोल्ड एलेक्ज़ा यूज़ कर रही हूँ एंड आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है ये आ, मैं अच्छे से अपने फेस पे मसाज करते हुए यूज़ कर रही हूँ सो दैट मेरा ब्लड फ्लो स्टिमुलेट करे अच्छे से नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ बेनिफिट का प्रोफेशनल प्राइमर इसके वजह से हमारा जो पोर्स है वो बहुत मिनिमम दिखते हैं एंड मेकअप एप्लीकेशन भी बहुत अच्छे से हो जाता है अब गाइज़ जो मेरे एक्ने स्कार्स है ब्लेमिश है पिम्पल्स है उन सबको हाइड करने के लिए मैं पैक का स्पॉटलाइट कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड वॉम हानी एंड ये कंसीलर बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके सारे पिगमेंटेशन अंडर आई सर्कल पिम्पल्स सबको कवर करता है बहुत अच्छे से कवर करता है एंड आई हाईली सजेस्ट यू गाइज टू यूज़ इट आई एम जस्ट यूजिंग माई हैंड्स टू ब्लेंड इट further i am going with foundation and for that i am using pack hd liquid foundation and elf ka foundation brush and i am just buffing and blending guys for a good base you need a good blending techniques and blending is must

पाउडर सो दैट अच्छे से सेटिंग एंड बेकिंग हो एंड मेरा फाउंडेशन बहुत देर तक uh, टिके मेरे फेस पे एंड वो ज़्यादा ऑयली एंड ग्रीसी ना हो

एंड मुझे मेरे ब्राउज थोड़े थिक अच्छे लगते हैं आप आपके ब्राउज आपके हिसाब से करें जैसे आपको पसंद है बस आपको ब्राउज से एंगुलर ब्रश से आपका जो प्रोडक्ट है ब्राउज में फिल इन करना है एंड फिर जो स्पूली होता है उससे बस आपको उसे इवनली स्प्रेड आउट करना है एंड ब्रश करना है अपने ब्राउज़ को एंड दैट्स इट मैंने ये दोनों तरफ के ब्राउज कर लिए हैं आई होप इट्स लुकिंग गुड अब गाइस लेट्स फोकस ऑन आईज आई मीन आई शेडो उसके लिए मैं स्विस ब्यूटी का मूज आई शेडो यूज़ कर रही हूँ इन द शेड शैम्पेन एंड उसे मैं एक आई शेडो ब्रश से अपने आईलेट्स पे लगा रही हूँ सो दैट वी गेट अ फ्लॉलेस बेस ये एक न्यूट्रल कलर है एंड हम एक ग्लैम लुक करने वाले हैं जो कि हम इस पर ग्लिटर लगाने वाले हैं बाद में तो बस बेस कलर के लिए मैं इस आई uh, शेडो को यूज़ कर रही हूँ एंड देन गाइस मैं एक छोटा ब्रश यूज़ कर रही हूँ एंड सेम आई को लेके मैं अपने अंडर आईज़ की तरफ आई लगा रही हूँ सो दैट वी गेट अ पॉप ऑफ कलर ओवर देयर टू आई एम गोइंग विथ स्विस ब्यूटी का मेटेलिक लिक्विड आई शेडो इन द शेड शैम्पेन मैंने इसे लास्ट हॉल में दिखाया था एंड आई एब्सल्यूटली लव दिस प्रोडक्ट यूगाज एकदम से ग्लैम देता है एकदम ग्लिटर है एंड यूज़ करना बहुत ईजी है इस प्रोडक्ट को एंड लुक हाउ प्रिटी इट लुक्स ऑन दी आई एंड एकदम ग्लैम अप लुक देता है नेक्स्ट वी आर गोइंग विथ आई लाइनर आप कोई भी आई लाइनर यूज़ कर सकते हो uh, मैं पेन आई लाइनर यूज़ करी सो दैट मुझे इससे वर्क करना ईजी लगता है एंड अच्छा विंग क्रिएट मैं कर सकती हूँ विद अ पेन आई लाइनर मेबलिन का आई लाइनर भी बहुत अच्छा है इफ़ यू वॉन्ट अ ट्राई और इफ़ यू वॉन्ट अ गिव इट अ शॉट यू कैन डेफिनेटली बाय मेबलिन का प्रोडक्ट एंड देन जस्ट क्रिएटिंग अ विंग एंड फिलिंग इट इन आइज जस्ट मेक श्योर जो आपका विंग है वो प्रॉपरली आए एंड इन शेप में आए एंड उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि दोनों आइज़ के जो विंग है वह सेम आए एंड आई अचीवड इट फाइनली आई एम गोइंग विथ काजल एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी मुझे काजल लगाना बहुत अच्छा लगता है इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू आपको लगाना है कि नहीं गाइज़ यहाँ पर मैं मस्कारा लगाना भूल गई थी बट यू गो अहेड एंड अप्लाई अ मस्कारा विच विल कम्प्लीट योर आई लुक नेक्स्ट आई एम मूविंग विद अ ब्लश एंड आई एम फॉर देट आई एम यूजिंग के ब्यूटी का ब्लश एंड इट इज़ सो डैम पिगमेंटेड यू गाइज आई डिड इन एक्सपेक्टेड बट इट इज़ अ ब्यूटिफुल कलर इट लुकड ब्यूटिफुल एंड आई जस्ट अप्लाई ब्लश ऑन माई नोज़ एंड चीक्स चिन बेसिकली मुझे ब्लश लगाना बहुत अच्छा लगता है एंड मैं ऑल ओवर फेस में ब्लश अप्लाई करती हूँ इट जस्ट मेक्स मी लुक प्रिटिया तो है मैं पैक का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ और मैं उसे फैन ब्रश से अप्लाई करूंगी एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस हाइलाइटर जिस हिसाब से इसकी प्राइस है और जिस हिसाब से वो क्वालिटी देते हैं पैक यू डू अ ग्रेट जॉब एंड आई जस्ट अप्लाई ऑन द हाई पॉइंट्स हाइलाइटर सारे अपने हाई पॉइंट्स पे लगाते हैं चीक बोन देन नोज फोर हेड एवरीवेयर और आप कहीं भी लगा सकते हो

लास्ट बट नॉट द लीज माई फेवरेट पेट्रिक्टा लिप ग्लॉस इन द शेड शी इज एक्सपेंसिव अगर आपको लिप ग्लॉस अप्लाई नहीं करना है तो आप बस लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो बट मुझे इस लुक के लिए लिप ग्लॉस अपलाई करना था आई फील इट जस्ट मेक्स यू लुक सो गुड एंड दिस लिप ग्लॉस इज माई फेवरेट आई जस्ट लव लव इट हाउट इट लुक्स Guys, a look is never completed with a proper dress and proper hairs. And here I am completely ready, looking fabulous. I absolutely adore this look. I hope you also liked it. सो गाइज दिस इज़ माई फाइनल लुक एंड आई एम एप्सल्यूली लविंग इट इट इज़ ऑल ग्लैम डब एंड क्लॉसी अगर आपको इसे और ग्लैम अप करना हो और थोड़ा सा लाउड बनाना हो तो आप डार्क कलर की लिपस्टिक लगा सकते हो जैसे रेड और वाइन कलर का इस लुक पे बहुत अच्छा दिखेगा तो अगर आपको इसे इवनिंग या थोड़ा सा सटल रखना है तो आप न्यूट्रल टोन की लिपस्टिक पे ग्लॉस लगा के आपका काम हो जाएगा तो आई एम एक्चुअली रियली हैप्पी अबाउट दिस लुक एंड हाउ इट केम टुगेदर। आप मुझे कमेंट करके बताना जरूर कि आपको ये लुक कैसा लगा एंड या आई होप दैट यू इंजॉयड इट एंड आई सी यू सून इन अनदर वीडियो टिल देन बाय टेक केयर आई लव यू ऑल सो मच